दोस्तों बात करते हैं यूपी के माफियाओं के गॉडफादर की। जी हाँ, हरिशंकर तिवारी नाम के इस डॉन से नेता बने व्यक्ति की आज बात करेंगे, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके सियासत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डॉन से नेता बने हरिशंकर तिवारी की मूर्ति के लिए जो चबूतरे बनाए गए थे वो गिरा दिए गए हैं और उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ और तिवारी परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से उभर गई है। देखिए, अब इन दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी, अब इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, हरिशंकर तिवारी के बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी जो सियासत चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उनके चबूतर जो बनाए गए थे उनके मूर्ति के आसपास, वो प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया है, उसको लेकर भाजपा के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि इससे उत्तर प्रदेश में ठाकुरों के खिलाफ ब्राह्मणों के गुस्से को हवा मिलने का खतरा है। और माना जाता है कि पिछले साल मतलब 16 तारीख को जो हरिशंकर तिवारी की मौत हो गई थी, उसके बाद संघर्ष अभी खत्म हो गया था, लेकिन अब 7 बार विधायक और पूर्व मंत्री रहे तिवारी जी के, उनके पैतृक गाँव टांडा में लगी मूर्ति के लिए बनाए गए चबूतरे को गिरा दिया गया प्रशासन द्वारा। अब इस टकराव को फिर से हवा मिल गया है और समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार पर जातिवाद का आरोप लगा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो हैं वो सामने आए और बोले कि या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। बुलडोजर अब तक दुकानों या घरों को निशाना बनाता था, अब इसे मृत लोगों के इज्जत पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव लगातार चबूतरे की पुनर्निर्माण की मांग कर रहे हैं और सोमवार को तिवारी की जयंती पर टांडा आने का वादा जो उन्होंने किया था वो आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने विपक्ष के वरिष्ठ सपा नेता माता प्रसाद पांडे को भेजा था। तिवारी के बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल और विनय शंकर दोनों भी इस दौरान वहां मौजूद थे। इसी बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस विवाद में कूद पड़े। अब वो कैसे ना कूदते, योगी आदित्यनाथ जो हैं, इन दोनों के बीच जो तनातनी चल रही है उसमें उनका कूदना तो जरूरी था। अब उन्होंने कहा कि गोरखपुर वाले ही समझे भाई इस मामले को, हम क्या है, सरकार का मामला थोड़ी है। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी और जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच क्या तनातनी चल रही है, उसको हवा और मिल गई है, मीडिया में इसकी खटपट और तेज हो गई है। जो भी होता है इसके ऊपर, जो भी अपडेट आता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वी युवा न्यूज़।